लोकसभा चुनावों 2019 में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में जहां एक ओर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष को न केवल उनके बयान से बल्कि विपक्ष द्वारा लिखे गए ब्लॉग के जरिए भी घेर रहे हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं, पर शायद आप ये नहीं समझे कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की, जिन्होंने हाल ही में गांधीनगर लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग को लेकर विपक्ष को घेरा और फेसबुक पोस्ट लिखकर उनके पक्ष में बात रखी। उन्होंने लिखा था कि अगर हम अपने वरिष्ठों की सलाह को नहीं मानते हैं तो ये शर्मनाक है। पार्टी के सबसे अहम स्तंभ रहे व्यक्ति को लंबे समय से भुला दिया गया है। जो नेता अपनी नीति और शासनकाल को लेकर जाना जाता था, उसका सम्मान होना चाहिए। इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये काफी बुरा है कि उनकी पार्टी ने ही उन्हें भुला दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी और 6 अप्रैल यानी कि बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके लिए सबसे पहले देश है फिर पार्टी। इसी ब्लॉग में उन्होंने ये भी लिखा था कि जो भी पार्टी या व्यक्ति हमारे विपक्ष में है, हम उन्हें कभी भी अपने विरोधी की नजर से या फिर देशद्रोही की नजर से नहीं देखते हैं। ये तो हम आप और सभी जानते हैं, चुनावों के वक्त हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने की लाख कोशिशें करती है, और फिर जब बात बीजेपी की हो तो विपक्ष पीछे रह ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ आडवाणी के केस में। अब एक तो चुनावों का वक्त और बीजेपी के दिग्गज नेता का ऐसा ब्लॉक, फिर तो विपक्ष का बीजेपी को घेरना तो बनता है, क्योंकि जब किसी पार्टी को मौका मिलता है तो वो पीछे नहीं हटना चाहती।